तो आज हम खरीदने वाले हैं दो सेकंड हैंड आईफोन। एक मैं खरीदूंगा ऑफलाइन मार्केट से और एक मैं खरीदने वाला हूं ऑनलाइन मार्केट से। लेकिन भाई, ये सेकंड हैंड आईफोन खरीदने से पहले बहुत सारे डाउट रहते हैं कि क्या आईफोन खराब निकलेगा, क्या फोन काम नहीं करेगा, वारंटी कैसे रहेगी, पहले फोन किसके पास। तो सारी चीजें भाई इस वाले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का ये है कंपैरिजन। तो सबसे पहले ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। ऑनलाइन में ऑर्डर कर रहा हूँ दो फोन, आईफोन 13 और आईफोन 8 प्लस। अब ये दोनों ही फोन भाई सेकंड हैंड मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। किसी को अगर 10-15 हजार के अराउंड आईफोन चाहिए होता है तो 8 प्लस काफी अच्छा रहता है, और किसी को बहुत मस्त तरीके से आईफोन यूज करना है तो आईफोन 13 सच में काफी अच्छा फोन है। मैं खुद रिकमेंड करता हूँ बहुत लोग को। तो यहाँ पे मुझे कंट्रोल जिक्र के एक वेबसाइट है, यहाँ से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ अभी। 128GB वेरियंट है बोल रहे हैं इसको, कंडीशन लाइक न्यू है। और दूसरा फोन मैं ऑर्डर करने वाला हूँ आईफोन 8 प्लस, और कंट्रोल गारंटीज में सबसे तगड़ी बात लग रही है 18 महीने की वारंटी मिलेगी। सब कुछ चेक कर लेते हैं, पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं भाई। ये वाला फोन तो ऑर्डर हो गया भाई, अब चलते हैं ऑफलाइन। लेकिन अभी रात हो गया तो कल जाऊंगा मैं। The next morning. तो मैं आ गया हूँ एशिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन मार्केट गफ्फार मार्केट में। iPhone 13 का प्राइस पूछते हैं और 8 प्लस का प्राइस पूछते हैं। अब गफ्फार मार्केट तो है भाई काफी क्राउडेड, और ये चीज मुझे डायरेक्टली फील हो गई जैसे ही मैंने वहाँ पे iPhone 8 प्लस ढूंढना शुरू किया। सारे भैया लोग से भाई बार बार रेट पूछा मैंने, कितने का है? 12,500। 16,000 रुपए दोगे? ये जेन्युइन पीस है ना। और वीडियो पे हम चुपचाप शूट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है। वीडियो तो नहीं बना रहे भैया? वीडियो बना रहे, मत नहीं बनाए, मुझे पता चला कि 12 से 14 हजार तक में मिल जाएगा यहाँ पे आईफोन 8 प्लस। तो अराउंड 10 से 12 दुकान ढूंढने के बाद लेना है भाई, क्या करेंगे इसके लिए। शाम से भाई रात हो गई थी, लेकिन मुझे यहाँ पे एक काफी सही यूनिट मिल गया। यहाँ पे व्हाइट कलर का आईफोन 8 प्लस मिला है मुझे, और इसकी कॉस्ट 12,000 रुपए है। बहुत सारी मोल मुलाई की मैंने, उसके बाद मिला ये रेट। ओके दोस्तों, तो अभी आ चुका है अपना कंट्रोल जी वाला भी बॉक्स। देखो यार, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कुछ ऐसा बॉक्स अलग से दिख रहा है काफी। और हमारा गफ्फार मार्केट वाला भी आईफोन यहीं पर रखा हुआ है, लेकिन दोस्तों हमने आईफोन 13 में मंगाया है। तो इसके लिए वेट करो भाई, इसकी भी अनबॉक्सिंग की जाएगी क्योंकि ये वाला आईफोन सबसे ज्यादा बिकने वाला आईफोन है इंडिया में। ऑफलाइन मार्केट मैंने प्राइस पूछा था, सब बताऊंगा मैं अभी आईफोन 13 वाले पार्ट में। अब सिंपली हम दोनों ही को अनबॉक्स करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करता हूं मैं। सबसे पहले बात करेंगे गफ्फार मार्केट वाले की, भाई इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। ऑफलाइन वाले बॉक्स को आप अनबॉक्स करोगे डेफिनेटली आपको फील होगा कि ये थोड़ा पुराना सेकंड हैंड बॉक्स है, लेकिन आईफोन का ओरिजिनल बॉक्स मिल रहा है आपको, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन ये ओरिजिनल बॉक्स आपको बार बार मिलेगा इसका गारंटी भाई मैंने दूंगा, क्योंकि मैंने वहां बात की थी, कुछ कुछ दुकानदार आपको मोबाइल के साथ चार्जर फ्री देते हैं, बॉक्स किस्मत वालों को मिल जाता है। सो बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे एक एनवलप है, लेकिन ये खाली है। और ये रहा अपना आईफोन, ठीक है अभी सुसाइड में रखते हैं। और ये रहा पिछले कस्टमर का अडेप्टर, भाई दाग धब्बा लगा हुआ है इसके ऊपर, काफी सारे स्क्रैच है, गंदा से फील हो रहा है मुझको। और एक केबल जो मैंने भैया से थोड़ा सा जिद करके मांग लिया, लेकिन ये ओरिजिनल केबल नहीं है। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ऑफिशियल बॉक्स मिल रहा है आपको, लेकिन सामान देख के थोड़ा बेकार भी फील होता है, तो मिक्स रहेगा यहाँ पे मामला। वैसे ओरिजिनल बॉक्स का फायदा ये रहेगा, अगर आप आईफोन वापस बेचते हो तो रिसेल वैल्यू थोड़ी सी अच्छी मिल सकती है। अब बात करते हैं अपने कंट्रोल जी वाले बॉक्स की। पूरा पेपर बॉक्स है, मुझे सच में पता नहीं था कि इतना अच्छा बॉक्स आने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ भी एप्पल आईफोन 8 प्लस। ओ नाइस, सील काट के जब आप बॉक्स ऐसे ओपन करोगे सारा प्रोडक्ट ऐसे ऊपर उठ के आता है, डेफिनेटली अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश किया गया। यहाँ पे है अपना आईफोन 8 प्लस जो हमने मंगाया था, अभी इसको चेक करेंगे यार। फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली ये केबल भी ओरिजिनल नहीं होने वाला है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का ये, और ये अडेप्टर डेफिनेटली नया है भाई। और देखते हैं पूरा एप्पल वाला चार्जर लग रहा है, और ये 20 वॉट का चार्जर है, और यहाँ पे कंट्रोल जी की ब्रांडिंग भी दी हुई है। इवन ये बॉक्स डिलीवर भी बस 2 दिन में हो गया था, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ यार, तो जल्दी डिलीवर हो जाता चीज यहाँ पे, लेकिन बाकी जगह पे विदिन 5 डेज पहुंच जाएगा। ऑफलाइन मार्केट के कंपैरिजन में सच में थोड़ा ज्यादा आसान लगा मुझे, क्योंकि हमने इस बॉक्स के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। नॉर्मली अगर मैं किसी भी ऑफलाइन मार्केट का एग्जांपल लेता हूँ जो आपके शहर में होगा, उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, वहां पे जाके भाई मोल मिलाई की कम से कम 8-9 दुकान में घूमा हूं मैं, उसके बाद जाके मेरे हिसाब से ये जो प्रोडक्ट था वो पूरे मार्केट का बेस्ट आईफोन था। तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा तो रफ कहूंगा मैं, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा सिक्योरिटी वाला इशू भी रहता है, खास गफ्फार मार्केट में भाई। एक आईफोन लेने जाओगे दूसरा वाला आईफोन भी उठ सकता है, और कल वही आईफोन वहां पे बिक रहा होगा आपको पता नहीं चलेगा। इवन जो हमने वीडियोस भी रिकॉर्ड किए ना, वो थोड़ा ऐसे
सीक्रेटली रिकॉर्ड की थी। वीडियो रोक दो भैया, हेलो। और साथ में मैं 2 वार्ड गार्ड ले गया था, तो ये सब चीज रहता है भाई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। लेकिन अगर आउटपुट की बात करें तो फोन तो कंपेरेबल मिला है। अब सिंपली यहाँ पे रिफर्बिश फोन है दोनों ही। और अगर बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में, देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, दोनों ही फोन रिफर्बिश है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो किया गया होगा। जैसे अगर ऑफलाइन वाले फोन के बारे में बात करें, जब मैंने इसको भैया से खरीदा तो डेफिनेटली मैंने वारंटी पे कॉम्प्रोमाइज किया। इसका जो एक्सपीरियंस था, फोन देख के फील होता है कि सेकंड हैंड फोन है। थोड़ा क्लोज आओ, बताता हूँ आपको। अगर फोन का स्पीकर देखते हैं या फिर चार्जिंग पोर्ट देखते हैं, हर जगह पे गंदगी घुसी हुई है। प्लस फोन का जो फ्रेम है, ये भी फ्रेश फील नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्क्रैचेस तो फील हो रहे हैं। प्लस फोन के अंदर क्या क्या खराब है, ये इमीडिएटली दुकान से आप चेक नहीं कर सकते। और अगर बात करते हैं ऑनलाइन वाले आईफोन की, ये वाले यूनिट पे आपको वारंटी मिल रही है, लेकिन एक दो चीज कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर भी किया गया है। जैसे फोन की जो डिस्प्ले है, ये चेंज की हुई है, और इसके अंदर ये ट्रू टोन डिस्प्ले वाला ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है। इसमें जो नया डिस्प्ले लगा है, ये हल्का सा फ्रेम से बाहर है। जब आप फोन होल्ड करोगे ना, वो डिस्प्ले फील होती है थोड़ी थोड़ी सी। अभी दोनों ही आईफोन पे सिमिलर वॉलपेपर लगा हुआ है, और डिस्प्ले में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस तो फील हो रहा है। और ये डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन जो है, कंट्रोल की वेबसाइट पे साफ साफ लिखी हुई थी, तो मैंने वहां पे चेक करके खरीदा है। ये जो डिस्प्ले 5.5 इंच की आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, और जो एप्पल ओरिजिनल डिस्प्ले यूज करता है वो होता है रेटिना आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, पहले तो आईफोन 8 प्लस में 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होता है, और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होता है। इस टाइम पे आईफोन में वाइड एंगल नहीं आता था। सिंपली एक फोटो ले लेते हैं, हल्का जूम भी कर लेते हैं, अपने मॉडल की फोटो ले लेते हैं दोस्तों, पोर्ट्रेट मोड फोटो लेते हैं, थोड़ा फिल्टर भी चेंज कर लेते हैं, और एक सेल्फी ले लेते हैं, और एक बार वीडियो कंपैरिजन कर लेते हैं, मॉडल जी को फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, जूम कर लेते हैं। और भाई आईफोन है तो डेफिनेटली वीडियो मायने रखता है, और इससे वीडियो अच्छी रिकॉर्ड हो जाएगी, तो कह सकते हैं कि ओरिजिनल कैमरा है। और अगर प्राइस की बात करें, बहुत निगोशिएट करने के बाद 12,000 रुपए मिला था मुझे, ये ऑफलाइन गफा मार्केट से। और कंट्रोल जी की प्राइसिंग अराउंड 14,000 रुपए आ रही है। अगर आप बैंक ऑफर कुछ ऐड करोगे, यहाँ पे 12,500 रुपए मिल जाएगा फोन। लेकिन अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे 18 महीने की वारंटी मिल रही है, और फोन एज गुड एज न्यू फील हो रहा है जब भी मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो चारों तरफ से पूरा फोन क्लीन किया हुआ है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में सेकंड हैंड का फील तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। जितने भी ऑनलाइन रिफर्बिश्ड ब्रांड्स है, सब के सब आपको वारंटी दे ही देते हैं, लेकिन हर चीज साइड में हम एक्चुअल में घुस के टेस्ट करने वाले हैं। इसके लिए मैं अपने मैकबुक के अंदर 3U टूल करके एक एप्लीकेशन आता है। पहले हमने अपना कंट्रोल जी वाला आईफोन को मैकबुक से कनेक्ट किया तार की मदद से, और यहाँ पे दिखा रहा है टेकूप्स आईफोन। बैटरी परसेंटेज भी देख सकते हो, 100% मिल रही है, लिटरली 0 चार्ज साइकिल दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसकी बैटरी भी आई गेस रिप्लेस की गई होगी ताकि आपको बेस्ट बैटरी परफॉर्मेंस मिले। लेकिन एक चीज काफी डिफरेंट है, देखो ये फोन है तो ग्रे, लेकिन जहां पे दिख रहा है रेड। लॉजिकली बताओ तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई रेड है कि ब्लू है, लेकिन फोन की हिस्ट्री सारी पता चल चुकी है, और इस वाले फोन को काफी अच्छा खासा रिपेयर किया गया है, उसके बाद इस बेहतरीन से कंडीशन मिला है ये फोन। अगर मैं आपको गफार मार्केट वाले फोन की बात करता हूं, तो इसको मैंने सेम तरीके से अपने मैकबुक से कनेक्ट किया, और यहां पे सबसे पहले जो नजर आई, ये शिल्पा जी का आईफोन है दोस्तों। यहां पे शिल्पाज आईफोन दिख रहा है, शिल्पा शेट्टी का तो नहीं है भाई। सबसे पहले बैटरी हेल्थ यहां पर भी 100% दिख रहा है, लेकिन ये वाला फोन काफी यूज्ड है, क्योंकि यहां पे साफ साफ दिख रहा है 113 बार इसकी चार्ज साइकिल को चलाया गया है, तो इसका भी सारा रास पर चल चुका है दोस्तों। लेकिन इससे बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसीलिए फिर हमने चेक किया ये फोन डॉक्टर एप्लीकेशन को यूज करके, और दोनों ही फोन की हमने टेस्टिंग की। इस वाले एप्लीकेशन से सारी टेस्टिंग हो जाती है आईफोन की, क्या है आईफोन के अंदर, कहां पे प्रॉब्लम है, कहां पे प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा पार्ट काम कर रहा है, कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा है, और रिजल्ट इतना अच्छा है, दोनों की हर एक चीज एकदम परफेक्टली काम कर रही है। और एक बार फोन को अंदर से भी चेक करते हैं। देखो, हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेट पेपर है, और एप्पल मैग्नेट से कितना प्यार करता है सभी को पता है। साफ साफ यहाँ पे स्पीकर और ग्रिल दिख रहा है, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा मैग्नेट्स हैं, और यहाँ टॉप पर भी देखो ग्रिल दिख रहा है, यहाँ पर भी मैग्नेट है, और एग्जैक्ट सेम प्लेसमेंट ऑफ मैग्नेट। देखो यहाँ पर स्पीकर, यहाँ पे ग्रिल, ऊपर में भी यहाँ पर स्पीकर है छोटा सा, यहाँ पर भी स्पीकर है, हमारे पास छोटा सा मैग्नेट भी है। एक बार देखो इस पर चपका देखते हैं। हाँ देखो भाई, यहाँ पे मैग्नेट दिख रहा है, सही है। देखो यहाँ पर भी पूरा गोला ही बन रहा है मैग्नेट से। सेम चीज भाई अपने व्हाइट वाले आईफोन में भी है, अंदर से भी पुष्टि कर ली हमने दोस्तों। और एक बार वायरलेस चार्जिंग भी देख लेते हैं। तो अगर मैं सिंपली बताऊं तो भाई दोनों ही आईफोन काफी सही है यूज करने के लिए। अब दोस्तों बारी है डायरेक्टली आईफोन 13 की। इसको अनबॉक्स करोगे आप, यहाँ पर भी आपको सिमिलर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत सही लगता है देखने में, कोई भी स्क्रैच तो नहीं दिख रहा है, तो डेफिनेटली इन्होंने काम बहुत ही अच्छा किया क्वालिटी को फ्रेश करने में। डेफिनेटली टच रिस्पॉन्स बहुत सही, बिल्कुल ओरिजिनल डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रू टोन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल रहा है, डार्क मोड भी काम कर रहा है यहाँ पे। मुझे सच में नहीं लग रहा कि ये सेकंड हैंड फोन है, तो इनका क्वालिटी कंट्रोल बहुत अमेजिंग है। एक बार आपको दिखाते हैं इसके अंदर का काला चिट्ठा अपने मैकबुक में।
लगा देता हूँ, ये वाली टेस्टिंग लाइव करते हैं। हम लोग ने पहले चेक कर रखा था, सबसे पहले तो टेकूप्स आईफोन आ रहा है जो मुझे एक्चुअल में बेस्ट लगता है कि आपकी पूरे आईफोन को न्यू से एक्सपीरियंस दे देते हैं ये। और यहाँ पे इसका एक्चुअल कलर दिख रहा है मिडनाइट, लेकिन हमें ब्लू कलर मिला है। मुझे लगता है ओरिजिनल कलर डैमेज हो गया होगा। कंप्लीट बॉडी को यहाँ पे चेंज किया गया है, और अच्छी बात है कि हर एक चीज आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कंट्रोल जी की वेबसाइट पे। और अगर बैटरी हेल्थ देखेंगे, फोन के अंदर 100% बैटरी हेल्थ है, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सारा रास पता चल चुका है 88% एक्चुअल में बैटरी हेल्थ है। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा था अलग बैटरी हेल्थ क्यों दिखा रहा है, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे पता चला एप्पल अपने बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से सारा बैटरी वाला डेटा स्टोर करके रखता है, इसलिए सॉफ्टवेयर में कम बैटरी हेल्थ दिखा रहा है। बट कंट्रोल जी ने यहाँ पे बैटरी भी रिप्लेस किए, तो बैटरी हेल्थ अच्छी है या नहीं है इसको चेक करने के लिए एक बार हम लोग बीजीएमआई खेल लेते हैं। इस पे सुकून से गेम खेलूंगा थोड़ा सा, मैं परफॉर्मेंस तो काफी ईपिक आ रही है भाई। मेरा स्टीम सपोर्ट ये है कि मैं किल नहीं दूंगा बस भाई। एमवीपी बन गया भाई, एमवीपी। ऑलमोस्ट 12 मिनट गेमिंग कर लिया मैं दोस्तों, 85% बैटरी थी और अभी हो चुकी है 80%। ऑलमोस्ट 5% बैटरी ड्रेन हुई है 12 मिनट के गेमिंग में, और गेमिंग में बैटरी सबसे ज्यादा गिरती है। मेरे हिसाब से ठीक बैटरी मिल रही है आपको, मतलब आईफोन है भाई तो आपको एक पावर बैंक कैरी करना पड़ेगा बैग में। और दोस्तों अब बात करते हैं आईफोन 13 के कैमरा के बारे में। ठीक है, अपना आईफोन 13 है कहां है? अपना आईफोन 13 यहाँ पे, और अभी रिकॉर्डिंग भाई आईफोन 13 से ही हो रहा है, ये काफी अच्छा बैलेंस कर रहा है। और अभी रिकॉर्ड करें 1080p 60fps में, और फोन का कैमरा बहुत सही काम कर रहा है। ये इसका नॉर्मल कैमरा है और ये है इसका वाइड एंगल, एंड पोर्ट्रेट मोड में जाओगे आप तो ये पोर्ट्रेट भी काफी मस्त निकाल देता है। और आप फोटोज देख सकते हो भाई, लाजवाब फोटोज जो आती है आईफोन 13 कैमरा से वही आ रही है। सेल्फी लेके दिखा देते हैं। तो आईफोन 13 का कैमरा मैंने यूज किया है भाई, बहुत जबरदस्त है, एकदम परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। तो आईफोन 13 का एक्सपीरियंस एज गुड एज न्यू स्मार्टफोन है। जितना मैंने इसको यूज किया मुझे काफी सही लगा। और कंट्रोल जैसे जब मैं ऑर्डर कर रहा था तो मैंने हर एक चीज पढ़ा था। देखो यहाँ पे स्पेक्स मेंशन किए गए, तो हर एक चीज का स्पेक्स मैच कर सकते हो जैसे महीना से, और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज रिप्लेस की गई है। बाकी एक दो चीजें जो कि चेंज लगी मुझे, जैसे कि इसका बॉडी, ये जो फ्रेम है पूरा स्क्रैचलेस है, पूरा न्यू है। लेकिन अगर आप सिम ट्रे और फ्रेम का कलर देखोगे ये थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन फोन की अगर प्राइस के बारे में बात करें, देखो सबसे पहले तो जब मैं गफ्फार मार्केट गया था और मैंने सबसे पूछा कि आईफोन 13 की प्राइस क्या चल रही है भैया, सबने बोला 35,000 रुपए से 40,000 रुपए तक मिलेगा आपको, मतलब आपको एटलीस्ट 35,000 रुपीज लगाना पड़ेगा। बट ऑनलाइन प्राइस 38,500 है, कुछ ऑफर लगा लोगे तो 34,000 तक में आपको मिल जाएगा, जो डेफिनेटली काफी वर्थ बना रहा है इस वाले फोन की प्राइस को। और एक चीज काफी मस्त है, कंट्रोल से खरीद रहे तो भाई इसमें कोई ऐसा फेयर नॉर्मल ऐसा कंडीशन नहीं है, हमेशा सारे फोन की कंडीशन आपको एज गुड एज न्यू मिलेगी। तो अगर रिकमेंडेशन के बारे में बात किया जाए तो डेफिनेटली आप फोन को यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे फोन को रिफर्बिश किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप कंट्रोल जी का प्रोडक्ट उठा सकते हो यार। और प्राइस भी जो है वो काफी अच्छी लगी मुझे, ऑफलाइन मार्केट से 2,000 रुपए ज्यादा रहेगा, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, कोई नेगोशिएट नहीं करना पड़ रहा है, काफी सारी चीजें पैसा आपको बच रहा है और वारंटी मिल रही है, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को लेते रहते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। हमने बस डिटेल एनालिसिस किया ऑफलाइन स्मार्टफोन एंड ऑनलाइन स्मार्टफोन का, मुझे लगता है ऑनलाइन भाई काफी ओवर पावर कर रहा है और ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स अभी आने वाली है, तो मुझे लगता है ये वाली इंडस्ट्री काफी चमकने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।